हेलो एवरीवन, नमस्ते सब लोग। माय नेम इज तन्नु। हाउ योर चैनल? ओ, योर चैनल इज गुड एंड आई एम आल्सो गुड चैनल एंड आई हैव सो मेनी बेबी टॉय। Hello everyone, namaste and welcome to my channel. I'm going to do animal yoga. So many animal yogas. It's a fun for kids to do. They love to do it. He pose full body ko stretch karta hai, arms, shoulder, abdomen, legs ko mazboot banata hai. टेबल टॉप पोजीशन से स्टार्ट कीजिए ऐसे एंड रेज योर हिप्स अप। ये हो गया प्लैंक पोज। अब धीरे धीरे इस पोज से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे, अपने पैरों को आगे मूव करेंगे और अपने बॉडी से, अपर एंड लोअर बॉडी से ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे, क्योंकि इस पोज में हेड नीचे की तरफ होता है हार्ट से, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, फुल बॉडी में ब्रेन तक ब्लड जाता है, जो माइल्ड हेडेक के लिए बहुत यूजफुल है एंड इट काम्स योर माइंड। ये लोअर बॉडी को बहुत अच्छा स्ट्रेच करता है, हमारे एंकल्स, काफ मसल्स एंड हैमस्ट्रिंग्स को। अपर फेसिंग डॉग पोज, इट ओपन्स द चेस्ट एंड लंग्स। हमारी फुल फ्रंट बॉडी को स्ट्रेच करता है, चेस्ट को, बिटवीन द रिब्स वो मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। हमारे रिस्ट, आर्म्स, शोल्डर्स, अपर बैक और लेग्स को बहुत मजबूत बनाता है। आर्म्स का फैट लॉस करता है और कमर दर्द में भी बहुत आराम देता है। कैट पोज, इसमें टेबल टू पोजीशन से एक्सेल करते हुए ऐसे अपनी गर्दन को नीचे झुकाएंगे, ऐसे बाहर की तरफ अपनी बैक में कर्व बनाएंगे। ट्राई टू टक योर चिन विद योर नेक। ये हमारे पोस्चर को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। पोज में इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ फेस उठाएंगे एंड लुक अप। इसमें नीचे की तरफ कर्व बनाएंगे अपनी बैक में। दिस इज वेरी गुड फॉर स्पाइन, इट इंक्रीज द मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये दोनों आसना जनरली एक साथ किए जाते हैं, कैट एंड काउ पोज। कोबरा पोज, इसमें अपने पेट के बल लेट के अपने हाथों के हेल्प से ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठेंगे इनहेल करते हुए। इट्स वेरी गुड फॉर योर स्पाइन, कीप योर टोज फ्लैट। ये हमारे चेस्ट एंड थ्रोट को एक्सपेंड करता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर ब्रीदिंग। कुर्मा आसना और टर्टल पोज, इसमें अपने दोनों पैरों को ऐसे फहरा लेंगे, नीज को थोड़ा बेंड करेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे ऐसे लेके जाएंगे धीरे धीरे, और एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है, ऐसे उठना नहीं है हमें, धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए पैरों की तरफ ले जाके झुकना है आगे की तरफ। ये पोज बच्चों में फोकस इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से इट प्रोवाइड्स द डीपर कनेक्शन विद योर सेल्फ। लोटस पोज और सर्वासना, इसमें अपने पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हुए या फिर अपने पाम को नीचे की साइड रखते हुए ऐसे पैरों के, अपने थाइस के नीचे रख लेंगे। चिन और फॉरहेड को मैट पे रखेंगे और अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। वन बाय वन एक पैर को भी आप उठा सकते हैं एट वन टाइम, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल अपना फेस और शोल्डर भी ऊपर उठा लेंगे ऐसे। ये पोज हमारे एब्डोमिनल मसल्स और लेग मसल्स को मजबूत बनाता है। फिश पोज और मत्स्यासना, इसमें अपनी पीठ के बल ऐसे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपने बटक्स के नीचे रख लेंगे और धीरे धीरे अपना सर उठाकर ऐसे मैट पे क्राउन ऑफ द हेड नीचे रख लेंगे। पिजियन पोज के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेबल टॉप पोजीशन। वी विल रेज आवर हिप्स अप इन डाउनवर्ड डॉग एंड फ्रॉम हियर रेज योर वन लेग अप ऐसे, और उसको आगे लेते हुए पैरों के बीच में रख लेंगे फोल्ड करते हुए। नोट दिस लेग, अनदर लेग विच यू रेज अप। पन्नू ने शॉर्टकट ले लिया यहाँ पर। ये पोज हमारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करता है, हमारे सेल्फ टॉक को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर देता है, बिकॉज इट रिलीजेस द टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी फ्रॉम आवर बॉडी। ऐसे अपने हाथों के हेल्प से थोड़ा पीछे की तरफ बेंड होंगे।
Usra means camel. This is a backbending pose. It activates our thyroid gland, which cures thyroid issue. Next pose is its counter pose. Sashakasana. Sashaka Sanskrit में खरगोश को बोलते हैं, इसलिए हम इसको इंग्लिश में रैपिड पोज और हेयर पोज भी बोलते हैं। इसके लिए वज्रासना में बैठकर दोनों नीज को वाइड अपार्ट ऐसे फैला लेंगे और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे ऐसे लेट जाएंगे और अपने फोरहेड को मैट पे रख के रेस्ट करेंगे। दिस इज अ रेस्टिंग पोज। दिस अ काउंटर पोज फॉर ऑल बैक बेंडिंग योगा पोजेस। एलोंगेट योर स्पाइन एज मच एज पॉसिबल, जितना भी आगे तक आप जा पाएं, रेस्ट इन दिस पोज। और आपके बिग टोज ऐसे मिले हुए होने चाहिए। ये स्ट्रेस रिलीज करता है अराउंड योर नेक एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ एंड रिड्यूसेस हेयर फॉल।